नमस्कार। तो आज की जो रेसिपी लेकर आया हूँ वो मैं लेकर आया हूँ पनीर भुर्जी की। वो भी मैं बनाऊँगा बिल्कुल अमृतसर स्टाइल के अंदर। ढाबों में, रेस्टोरेंट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई जाती है, बहुत ही ईजी तरीका है उसको बनाने का, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते बनाते हैं अमृतसर स्टाइल के अंदर पनीर भुर्जी, एक छोटे से इंट्रो के बाद। भुर्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, डालते हैं इसमें हम सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल में बना रहा हूँ, उसका स्वाद सरसों के तेल में बेहतरीन आएगा। आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, आधा बटर आधा सरसों का तेल। तो मैं एक दो से तीन टेबलस्पून के आसपास सरसों का तेल लिया है। डालते हैं आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, और साथ में तो डालते हैं इसमें अदरक और हरी मिर्च कूट के डाली है मैंने। एक इंच से ज़्यादा अदरक का टुकड़ा और चार हरी मिर्च थी जिसको अच्छी तरह से मैंने कूट लिया है। साथ में डालते दो प्याज फाइन चॉप करे हुए, अच्छी तरह से इसको हम भुनेंगे। हल्का पिंक शेड आना चाहिए, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ जिससे प्याज जल्दी हमारे गल जाएंगे। प्याज हमारे पिंक पिंक से हो गए हैं, तो दो मीडियम साइज़ के चॉप टमाटर थे वो डाल देते हैं। आप चाहो तो इसके साथ दही भी ऐड कर सकते हो, और दही ऐड कर रहे हो तो टमाटर से आप कम कर लीजिए, एक डाल दीजिए और दो टेबलस्पून के हिसाब से आप दही भी ऐड कर सकते हो। जब दही ऐड कर रहे हो तो मसाले उसी में डाल दीजिए, या कुछ जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह। साथ ही ऐड करते हैं नमक, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। डालते कुछ मसाले, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 कुटी लाल मिर्च डाली है, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा कम चम्मच से भी कम मैंने गरम मसाला लिया है, और आधा छोटा चम्मच ही किचन किंग मसाला। और कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। अच्छी खासी खुशबू आ गई है मसालों की। मसालों को अच्छे से मैंने भून लिया है, तो डालते हैं इसमें ग्रेट किया हुआ 200 ग्राम पनीर। अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर को भी मैंने अच्छे से भून लिया इसके साथ, तो ऐड करते हैं थोड़ा सा दूध और अच्छे से मिक्स करते हैं, कि वहाँ पे जो पनीर बनता है अमृतसर के अंदर वो बिल्कुल ड्राई नहीं होता, हल्का सा लटपटा सा होता है। तो वो दूध डाल के इसको इस तरह से लाते हैं। बस हमारी ऑलमोस्ट भुर्जी रेडी है, बस ऊपर गार्निश करना है हमने धनिया से। इसमें आप इसमें नमक वगैरह अपना चेक कर सकते हैं, और उसको सर्व करिए आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, कुलचे के साथ, या ब्रेड के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको। हमारी भुर्जी रेडी हुई है। एक्चुअली आज मेरे पास धनिया था नहीं, तो मैंने ऐसे इसको सर्व कर दिया। बिल्कुल लटपटी सी चटपटी सी बनी है, बढ़िया सी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ। आप भी इसको बना के एंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी बनाई हुई
सिंपल तरीके से अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।